मैं आपका स्वागत है, मैं हूं आपका अपना हरि। और भाई साहब आज मैं हूं दिल्ली में और आपको दिखाने लाया हूं कि भाई साहब जब मैं दिल्ली आता हूं तो मैं लंच कहां करता हूं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि स्ट्रीट फूड कवर करते करते मन करता है कि बढ़िया पंजाबी रोटी, अपनी नॉर्थ इंडियन रोटी जो है जिसमें तंदूरी रोटियां, सिरके वाला प्याज, दाल मखनी, पनीर, लबाबदार मिक्स वेज, ऐसी चीजें जो है वो मिल जाए तो मजे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कहाँ खाना खाता हूँ वो आपको आज दिखाता हूँ। मैंने बहुत बार यहाँ पे खाया पर मैंने सोचा यार ये अब आपको दिखाना भी तो चाहिए कि यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये ट्राई करो, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। भाई साहब आज नेक्स्ट लेवल। अच्छा, तो यहाँ पे 38 साल हो गए शालीमार बाग में। 38 साल? यस, 38 इयर्स जी। मैं 7 इयर्स का था जब यहाँ पर शालीमार बाग में आए। शालीमार बाग वाले पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, हमारी माता जी ने बेलदारी की, उन्होंने भी चाय की दुकान रखी। फिर एक धीरे धीरे लोग होते गए, यहाँ कोई होटल नहीं था, सिर्फ तंदूर लगाया उन्होंने, एक सब्जी बनाते दाल। हमने 25 पैसे की रोटी, उसका दाल फ्री में बेचा हुआ है, दाल साथ में और 25 पैसे की रोटी थी। 25 पैसे की रोटी और दाल साथ। तब से करते करते 2000 में चित्रकूट का नाम रखा। हमारे चित्रकूट गुरु महाराज है जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने 1200 का राज काटा जी। और 2 साल उन्होंने युद्ध किया था श्रीलंका में जाके जी। और वहाँ की परिक्रमा जो आप करोगे चित्रकूट की, वो अंतर ही, आप वहाँ जाओगे संतुष्टि इतनी संतुष्टि मिलेगी जैसे वैष्णो देवी है, वैसे हमारे चित्रकूट है। ये हनुमान जी का रूप है पूरा, उनके आशीर्वाद से आज तक हमें नीचे नहीं देखना पड़ा। डेग में दाल बनाते थे, बड़ी फेमस थी नेताजी का ढाबा। पहले पापा को नेताजी कहते थे। अच्छा, नेताजी कहते थे? नेताजी पॉलिटिक्स में थे? अच्छा, पॉलिटिक्स। अभी भी है पिताजी, अभी भी, अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। और संत जी यहाँ पे एक बार दिखाइए ढाबा, अंदर अपनी किचन दिखा दीजिए। चित्रकूट जी यहाँ भी है, ये काम था, ये गुरु महाराज जी जी। चित्रकूट की फोटो ये इधर है, ये। अच्छा, इधर है जी, ये चित्रकूट जी की फोटो और राम दरबार जी। वाह वाह वाह, यहाँ तुलसीदास जी ने चंदन घिसा था, तिलक करे रघुवे, ये पूरी वहाँ की कहावत है, दोहा जो आपने शायद पढ़ा होगा रामायण में भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवे, ये वहीं से बनी हुई कहावत। अच्छा, ये चित्रकूट उसी मंदिर की जो है वहीं की कहावत? हाँ जी, हाँ जी। वाह, अभी राजमा बन रहे हैं, आप दिखा दीजिए एक बार। कभी राजमा हो गया जी, कभी दाल हो गई, और जैसे ऑर्डर आते हम ऑर्डर पे बनाते हैं माल, जैसे हमारा कोई ऑर्डर आएगा, ये हमारी दाल मखनी। अच्छा, ये है दाल मखनी जिसकी वजह से आप मशहूर हुए? यस। ओ भाई क्या बात है यार, एक दो बार करछी जो है वो चला के दिखाइए इसमें। ओ भाई साहब, सिर्फ बटर और दूध से बनाया जाता है, क्रीम बटर दूध, क्रीम बटर और दूध में बनती है दाल। यस, वाह जी वाह। और कभी इसको पकाया जाता है, जैसे इसको करना 6 घंटे हम पकाते हैं सिर्फ इसको। जी जी जी, उसके बाद गुटाई करते हैं। अच्छा, ये कलर इसमें अपने आप आता है, हम कोई ब्लैक दाल को हम रेड कलर में जितनी पकाओगे तभी कलर आएगा। जी जी जी, उसका ये नेचुरल कलर है, ये कलर जो है जी एकदम नेचुरल है दाल का, और एकदम बढ़िया प्रेपरेशन जो है वो संत जी ने कर रखी है यहाँ पे। चिली पोटैटो के लिए बन रहा है। अच्छा, चिली पोटैटो। अच्छा, वो भी बनाते हैं आप? चाइनीज और इंडियन दोनों आइटम बनाते हैं। और इधर जो तैयारी है मुझे लग रहा है शायद कढ़ाई पनीर की तैयारी हो रही है, पनीर तवा मसाला कढ़ाई पनीर। जी जी जी, बहुत ही साफ सुथरा सा सेटअप है जी। और इधर देखो ये तंदूर है, दिल्ली वाले गार्लिक नान के साथ बटर पनीर या वो दाल मखनी बहुत पसंद करते हैं। मिक्स वेज नवाबी बना रहे हैं, मिक्स वेज नवाबी बन रही है जी, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। बीन्स, मटर, गाजर जी, गोभी, मशरूम एंड स्वीट कॉर्न, आलू। वाह वाह वाह, टमाटर प्याज का चौक मसाला बनता है ये। टमाटर प्याज का चौक मसाला है जी, उसके अंदर तड़का लग रहा है। ये वेज ग्रेवी है, प्याज वाली ग्रेवी। ये है जी प्याज वाली ग्रेवी, और भाई इसके अंदर तो मुझे लग रहा है काजू मगज भी डाला हुआ है। हाँ जी, हल्का डाला होता है इसमें, हल्का सा होता है। ये टमाटो ग्रेवी है, और ये आ गई जी टमाटो ग्रेवी। और भाई मिक्स वेज ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, हमारी वैरायटी जितनी मिलेगी सब अलग अलग मिलेगी। ये कुछ मसाले आ गए मुझे लग रहा है, कसूरी मेथी, गरम मसाला और नमक आया। गरम मसाला हम अपना पिसवाते हैं, बाहर से नहीं लेते, क्रीम डाल रहा हूँ ये। अरे मिक्स वेज के अंदर क्रीम और बटर डालता है, मक्खन भी? यस, अमूल बटर हमारे पास इस्तेमाल होता है। वाह जी वाह, मिक्स वेज के अंदर भाई आपको थोड़ी हल्का पालक इसमें डाला जाता है, पालक भी। ये आ गई जी पालक, और भाई मिक्स वेज के अंदर क्रीम, मक्खन और पालक, और ये तो एकदम नवाबी जो है वो बन के तैयार हो गया। ये देखो भाई बढ़िया नवाबी मिक्स वेज जो है वो बन के तैयार है। और सर ये कितने का रहता है? 250 का है। 250 रुपीस में आपको ये मिक्स वेज नवाबी जो है वो मिल जाएगा। भाई इसकी जो डेकोरेशन है हम जरा सी मिस कर गए, ये पनीर और क्रीम और रोगन डाल दिया है। ये पनीर तवा मसाला बना रहा है, पनीर तवा मसाला बन रहा है जी, और पैन के अंदर फुल जो है एक्शन चल रहा है। शिमला मिर्च है जी, और ऑनियन है। यस यस, और ये क्या आ गया? ये टमाटर प्याज का चौक मसाला है। ये आ गया जी टमाटर और प्याज का चौक मसाला। ये दोनों ग्रेवी डाली जाएगी। अच्छा, दोनों ग्रेवी आएंगी? यस, ये प्याज वाली ग्रेवी आ गई, बिना प्याज की ग्रेवी, टमाटो ग्रेवी। ये टमाटो ग्रेवी आ गई भाई, जबरदस्त। और ये आ गया जी गरम मसाला, कसूरी मेथी, और ये क्या डाल रहे हैं सर? रेड चिली आ गई जी, कसूरी मेथी, नमक, गरम मसाला जी। ये मसाले वही पड़ते हैं जो हमेशा पड़ते हैं। क्रीम डाल रहा हूँ मैं। अब आ रही है जी क्रीम,
ये आ गया जी मक्खन, ग्रीन चिल्ली। अच्छा ऊपर, ओ भाई क्या बात है, ये तो आपने पलट दिया है। यस, ये तो आपने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वो वाला काम हो गया सर। लोग कहते हैं नॉन वेज, हम तो वेज में खिला के ऐसी चीज दिखाएंगे आपको। वाह भाई, ये पनीर नीचे और मसाला ऊपर, ऊपर से आ गया पनीर और ये हरिया धनिया और ये आ गई जी क्रीम, ये ऊपर से रोगन भी, मेरे भाई जबरदस्त। दाल मखनी बना के दिखा रहा हूँ, बढ़िया से एकदम तड़के वाली बढ़िया। ये देखो भाई पैन के अंदर ये बढ़िया पकी हुई दाल आ गई है। और सर ये कितने घंटे पकी होती है? 6 घंटे, कम से 8 घंटे इसको पकाने लगते हैं बनाने में। 6 से 8 घंटे इसको पकाने में लग जाते हैं मेरे भाई। अब इसको लगेगा बढ़िया जबरदस्त तड़का। इसमें क्रीम डालते हैं, ये आ गई जी क्रीम। फ्लेम बढ़ा के भाई इसके जो बबल्स, जो इसके बॉइल्स है वो निकाल के बटर डालते हैं जी। ये आ गया मक्खन और आप आइए और खाइए, स्वाद लीजिए दाल मखनी का। वाह वाह वाह, अच्छा रेडी है? इतना टाइम पकने में लग जाता है इसको और ऊपर से पकाने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। वाह जी वाह, ये देखो भाई सर्व करने का एक अंदाज है इनका। बाल्टी के अंदर दाल मखनी, तवे के ऊपर तवा पनीर, मैं हर बार मिस कर जाता हूँ ये। भैया पीछे से डाल देते हैं चोरी छिपे ये मक्खन और क्रीम डाल के दाल मखनी। और सर एक मैंने सुना आपका गार्लिक नान जो है, yes, उसमें आप स्प्रिंग गार्लिक डालते हैं, मिर्च और नमक। वाह, और ये हो गया जी अच्छे से मिक्स। धनिया डाल दिया जी, ये आ गया जी हरिया धनिया। ये सारा कुछ मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। अच्छा, पर आपने अपने पिताजी से सीखा है? हाँ जी। वाह जी वाह, चित्रकूट जी का आशीर्वाद और पिताजी की सिखाई हुई जो आर्ट है उसकी वजह से संत जी जो है यहाँ पे हमें दिखाने वाले हैं बढ़िया सा गार्लिक नान। और ये गार्लिक नान के अंदर यहाँ पे स्टफिंग होती है, लोग ऊपर से लगाते हैं और यहाँ पे होती है जी स्टफिंग। और संत जी आपका फेवरेट क्या है यहाँ पे? मैं गार्लिक नान, मेरे जितने भी फ्रेंड आते हैं जी ज्यादातर गार्लिक नान पसंद करते हैं। अच्छा, सारे गार्लिक नान वाले हैं? और पनीर तवा मसाला और दाल, पनीर तवा मसाला दाल और गार्लिक नान। संत जी जो है अभी मैदे के ऊपर हाथ अच्छे से चला के इसको पतला कर रहे हैं और ये आपका गार्लिक नान जो है ये जा रहा है जी सीधा तंदूर के अंदर। भाई क्या शॉट। सर आप क्रिकेट भी खेलते हैं? पहले खेलता था। पहले खेलते थे वो नज़र आ रहा है। और सर अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो लोकेशन क्या है अपनी? ADMR फोर्टिस हॉस्पिटल के पास में। फोर्टिस हॉस्पिटल के पास में चित्रकूट ढाबा, चित्रकूट भोजनालय जी, चित्रकूट भोजनालय। और टाइमिंग क्या है आपकी? कल से रात को 11 बजे तक रेडी। ओ भाई क्या बात है, गार्लिक नान रेडी है। और इसको सर थोड़ा प्यार मोहब्बत कर दो अच्छे से। हम आलू वाला पराठा खाते हैं, यहाँ पे गार्लिक वाला नान स्टफ करके बना दिया। अमूल बटर है ऊपर से, अमूल मक्खन। भाई इतने मक्खन में तो कोठी पेंट हो जाएगी। वाह जी वाह। प्रदीप जी आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस ढाबे से, मतलब मैं भी अब 1 साल से खा रहा हूँ और आप जो हैं यहाँ पे मैंने सुना पिछले 40-50 साल से खा रहे हैं, तो मतलब क्या सीन है, कितना पुराना ढाबा है और कितना अच्छा है? ढाबा बहुत अच्छा है, हाँ मैं लगभग 35 साल से तो यहाँ पे खा रहा हूँ जी, क्योंकि जब बहुत छोटा था तब आया था पहली बार। अच्छा, और 5-6 साल का था जब मैंने पहली बार यहाँ खाना खाया जी, तब छोटा सा सेटअप था जी, बट अब ये एक प्रॉपर फाइन डाइन रेस्टोरेंट बन चुका है। अच्छा, अगर आपको वेजिटेरियन नॉर्थ इंडियन फूड खाना है ना दिल्ली में, सो दिस आई फील इज द बेस्ट। मेरी रिकमेंडेशन है इनकी गार्लिक नान जी और पनीर तवा मसाला। सबसे पहले तो भाई ये देखो, ये है जी पनीर लबाब और पनीर तवा मसाला, पनीर जिसके ऊपर मसाला डाला था ना, जिस तरीके से इसको बनाया था, जिस तरीके से इसको बनाया गया था वो एक अलग ही लेवल था यार, ऐसा मैंने देखा ही नहीं कभी। मिक्स वेज नवाबी के साथ ये मैं थोड़ी सी छेड़छाड़ करूँगा और ये इधर सर्व कर लेंगे जी हम। ये हमने बाल्टी जो है इधर रख ली है जी, यहाँ से डालते हैं जी दाल और कटोरी थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं। पहले तो दाल देखो, दाल का ना जो जो शाइनीपन है, अगर वो कोई वर्ड है, जिस तरीके से एकदम बढ़िया शाइन कर रही है दाल, मतलब पता चल रहा है कि इस पर मेहनत लगी है। तो ये आ गई जी सीधा इस कटोरी के अंदर, ऊपर से गार्लिक दिखेगा नहीं पर अंदर गार्लिक ही गार्लिक है भाई साहब। तो ये है जी तवा मसाला इनका, पनीर एक्स्ट्रा ले लेते हैं थोड़ा सा भाई साहब। हियर्स अ बाइट, हियर गोज। सबसे पहले तो गार्लिक नान मजेदार, नेक्स्ट लेवल, मतलब गार्लिक नान के अंदर जो फ्लेवर और जो अरोमा कैप्चर हो रखा है ना वो अंदर ही रह जाता है, और जैसे आप उसको बाइट लेते हो तो वो फिर खुलता है पहले आपके नाक की तरफ और फिर आपकी जबान की तरफ। और जो पनीर की ग्रेवी है वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मैं आपको बताता हूँ पनीर की ग्रेवी इतनी बढ़िया क्यों है। एक तो इसके ऊपर जो छोका मसाला वो जो डाला था, दूसरा वो जो हरी मिर्ची उसने अपना एसेंस छोड़ दिया है, मज़ेदार है भाई। दाल ट्राई किए बिना ये वीडियो खत्म नहीं हो सकती। तो ये है जी दाल, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। अगर आप दिल्ली में हो और शालीमार बाग की तरफ आते हो तो मेरे कहने पे एक बार इस ढाबे पे खाना ज़रूर खाना,
एक बार खाने पे आप रेगुलर कस्टमर बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और हम आपको मिलते हैं डिलीवरी में, तब तक के लिए जिंदाबाद, साढ़ा पंजाब, नाले साढ़ा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक जबरदस्त वीडियो अबाउट अनदर अमेजिंग प्लेस या सर्विंग अमेजिंग लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, तो भाई ये देखो, मलाई कोफ्ता इज एक्सीलेंट, शाही पनीर, दाल मखनी एंड कढ़ी नेक्स्ट लेवल। राइट, एंड हाउ लॉन्ग हैज इट बीन, कितने सालों से आ रहे हैं आप? इट्स बीन मोर देन 25 इयर्स फॉर मी। मोर देन 25 इयर्स, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। एंड यू लिव नियर बाय? आई लिव नियर बाय। सुपर्ब सुपर्ब, प्लीज एंजॉय योर मील सर, थैंक यू। डूड मेक दैट हरिया धनिया पीस। अरे थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल वन एंड एंजॉय द मील।